गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम करने जा रहे हैं हिंदी के जो हमारी सीरीज शुरू की हमने, 3 लेसन हम कर चुके हैं। आज हमारा चौथा पार्ट है जिसका नाम है हॉकी का जादूगर, हॉकी का मैदान। कि ये जो दृश्य दिखाया गया है यह हॉकी के मैदान का दृश्य है कि वहाँ पर किस प्रकार खेल रहे थे सारे। तो हॉकी का मैदान, ध्यानचंद सेंटर फॉरवर्ड जगह पर खेल रहे थे। कहाँ खेल रहे थे? सेंटर फॉरवर्ड। इस स्थान पर खेलने वाले खिलाड़ी अग्रिम पंक्ति का मुख्य व प्रमुख होता है। अग्रिम मतलब आगे वाली पंक्ति, मतलब लाइन। सबकी नज़र गोल पोस्ट पर थी, कि जहाँ पर गोल किए जाते हैं सबकी नज़र वहाँ पर थी। गोल करने के लिए ध्यानचंद बिजली की गति से आगे बढ़े, यानी कि बहुत स्पीड से वह आगे बढ़े। उन्होंने जोरदार स्कूप किया। स्कूप मतलब उन्होंने गोल गोल के लिए जैसे ही गेंद को हॉकी से उछाला, गेंद उठने की इस कला में उनका जवाब न था। लेकिन यह क्या, गोल न हुआ। गेंद गोल पोस्ट के ऊपर से होती हुई बाहर निकल गई। आश्चर्य हैरानी की बात थी कि गोल न हुआ। गोलकीपर, दूसरे खिलाड़ी व दर्शक सब अचंभित रह गए। ध्यानचंद के चेहरे पर अफसोस के भाव थे। अफसोस मतलब दुख के भाव, अफसोस का मतलब होता है दुख। लेकिन वे मैच खेलते रहे। उन्हें शक हुआ कि उन्हें कुछ किसी बात की शंका हुई कि गोल पोस्ट की ऊंचाई में कोई गलती है। मैच के बाद उनके आग्रह पर गोल पोस्ट नापा गया। उसकी ऊंचाई 3 इंच कम पाई गई। कितनी पाई गई? 3 इंच कम। गोल न होने का राज खुल गया कि ध्यानचंद जब गोल करते थे तो उनका निशाना कभी नहीं चूकता था, और वह आज कैसे चूक गया इस बात की उन्हें जो भनक लगी, तब उन्होंने उसकी ऊंचाई को मापा और वह 3 इंच कम पाई। ध्यानचंद ने सेंटर फॉरवर्ड के रूप में खेलते हुए अपने खेल जीवन में 1,000 गोल किए, जो कि एक विश्व रिकॉर्ड है, यानी कि यह वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि इतने जो गोल किसी ने भी नहीं किए। हॉकी के इस खिलाड़ी का जन्म इलाहाबाद में 29 अगस्त 1905 को हुआ। कब हुआ? 29 अगस्त 1905 में। इनके पिता का नाम क्या नाम था? सोमेश्वर दत्त सिंह, और माता का नाम श्यामा देवी, और पत्नी का नाम जानकी देवी था। तो यह इस जो पैराग्राफ से हमें इनके परिवार के बारे में जानकारी मिलती है कि इनका जन्म 1905 में हुआ। उनके जो पिताजी का नाम था वो सोमेश्वर दत्त था, माताजी का नाम श्यामा देवी था, और पत्नी का नाम जानकी देवी था। मात्र 16 वर्ष की उम्र में ध्यानचंद को भारतीय सेना में नौकरी मिल गई। कब मिली? जब वह 16 साल के थे तो उन्हें इंडियन आर्मी के अंदर नौकरी मिल गई। वे दिन में सेना में नौकरी करते और रात को मन लगाकर हॉकी का अभ्यास करते थे। यानी कि जब उनको नौकरी मिल गई थी उसके साथ साथ दिन में तो वह नौकरी करते थे और रात को मन लगाकर हॉकी का अभ्यास करते थे। स्टिक और बॉल के साथ उनकी कलाकारी जो थी वो कमाल की थी। वे विपक्षी रक्षकों के बीच गेंद को अपनी स्टिक से चिपकाए हुए मछली की तरह फिसल जाते थे और गोल पर गोल करते। इनके प्रारंभिक प्रशिक्षक सूबेदार मेजर बाले तिवारी, क्या नाम था इनका? सूबेदार मेजर बाले तिवारी ने इन्हें हॉकी के महत्वपूर्ण गुर सिखाए। इनके बचपन का नाम ध्यान सिंह था, लेकिन सेना में अधिकारियों ने प्यार से इनका नाम ध्यानचंद रख दिया। खेल में उपलब्धियों के कारण सन 1947 के बाद मेजर के रूप में इनको पदोन्नति दी गई। सन 1936 के बर्लिन ओलंपिक में ध्यानचंद की कप्तानी में भारतीय हॉकी टीम ने जर्मनी को उसके घर में 8-1 से करारी शिकस्त देकर स्वर्ण पदक जीता। यानी कि 1936 के अंदर जो ओलंपिक गेम हो रहे थे वह जर्मन के अंदर हो रहे थे, और जर्मनी के अंदर जो भारतीय टीम ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीता और 8-1 से उनको करारी शिकस्त दे डाली। फाइनल देखने के लिए
स्टेडियम में जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर भी मौजूद थे। यहाँ आपको एडोल्फ हिटलर के बारे में अगर जानकारी दे दूँ, जर्मनी के वह तानाशाह थे और उनकी तानाशाही और क्रूरता के लिए वह बहुत ही प्रसिद्ध थे। तो उनके जब वो मैच हारी उनकी टीम, तो वह बीच में ही मैच छोड़कर चले गए थे। तो आगे पढ़ते हैं हम इसके बारे में। विजेता टीम को उनके हाथों स्वर्ण पदक दिए जाने थे, यानी कि जो टीम जीतेगी उनको उसने स्वर्ण पदक देने थे। लेकिन जर्मनी की हार से वे इतने गुस्से में थे कि खेल समाप्त होने से पहले ही स्टेडियम छोड़कर चले गए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वह इस बात से दुखी हो गए थे कि जो जर्मनी की टीम थी वह हार चुकी थी। आगे पढ़ते हैं हम इसको। अगले दिन हिटलर ने हॉकी के जादूगर ध्यानचंद से मिलने का संदेश भिजवाया। इससे वे बहुत चिंतित हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि उन्होंने हिटलर की तानाशाही और क्रूरता के किस्से सुने हुए थे। अगली सुबह जब ध्यानचंद हिटलर से मिलने पहुंचे, तो जर्मन तानाशाह ने बेहद गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। बातचीत के दौरान हिटलर ने उनके सामने जर्मन फौज में बड़े पद का प्रस्ताव दिया कि आप अच्छे खिलाड़ी हैं, आप हमारी सेना में भर्ती हो जाइए, हम आपको उच्च पद दे देंगे। लेकिन हमारे दादा ने अपने देश प्रेम के कारण यह प्रस्ताव विनम्रतापूर्वक ठुकरा दिया। ध्यानचंद खेलते समय अपने अनुशासन और धैर्य के कारण बहुत ही प्रसिद्ध थे। के कारण अनुशासन और धैर्य के कारण सन 1933 में 1933 के अंदर आर्मी कप में विरोधी टीम के जो सेंटर हाफ खिलाड़ी ने खेल में पिछड़ने पर आपा खो दिया, यानी कि वह उनकी टीम जो हार रही थी वह ध्यानचंद के सिर पर हॉकी स्टिक दे मारी। घायल ध्यानचंद ने मैदान के बाहर जाकर घाव पर पट्टी करवाई, खेल भावना का परिचय देते हुए पुनः मैदान में उतरे। तत्पश्चात यानी कि उसके पश्चात विपक्षी टीम पर ताबड़तोड़ 6 गोल करके खेल के उच्च कौशल से अपना बदला लिया। यानी कि अगर वो चाहते तो वह भी उनको स्टिक से प्रहार कर सकते थे, लेकिन यह खेल भावना के विरुद्ध था। तो दद्दा ने क्या किया, उन्होंने जैसे उनकी पट्टी करवाई और वापस मैदान के अंदर आए और लगातार 6 गोल करके अपनी जो उनकी टीम थी उनको मैच जो जीत की तरफ पहुंचा दिया। अपने परिवार और खेल प्रेमियों के बीच ध्यानचंद दद्दा के नाम से प्रसिद्ध थे। ठीक है, तो हमें पता लग गया ना क्यों नाम से क्यों प्रसिद्ध थे, क्योंकि वह खेल खिलाड़ी उनको अपना आइडियल मानते थे। विदेशों में भी वे अत्यंत लोकप्रिय थे, यानी कि सिर्फ भारत के अंदर नहीं विदेशों में भी उनका बहुत सम्मान होता था। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज डॉन ब्रैडमैन, तो जो क्रिकेट का भगवान डॉन ब्रैडमैन को कहा जाता है, और पूरे जब विश्व के अंदर अगर हम देखें तो जो हमारे भारत के खिलाड़ी हैं सचिन तेंदुलकर, उनको भी क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। तो ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज डॉन जो ब्रैडमैन है, उन्होंने एक बार कहा था, मिस्टर ध्यानचंद जिस तरह से क्रिकेट में रन बनते हैं आप वैसे ही हॉकी में गोल करते हो। ऑस्ट्रेलियाई मानते हैं कि ध्यानचंद दैवी प्रतिभा के धनी थे, क्योंकि दोनों हाथों से इतने गोल संभव नहीं है। तो वह लेफ्ट और राइट दोनों हाथों से खेला करते थे, और जो ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी है वो मानते हैं कि वह एक दैवीय शक्ति से परिपूर्ण थे। तो आज जो है हम इसका इतना ही पार्ट करेंगे, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम अगले पार्ट में आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो अगले पार्ट के लिए देखते रहें हमारा चैनल। जब तक हम इसकी सेकंड पार्ट बनाते हैं, तब तक आप इस पार्ट के जो वर्ड मीनिंग है इसमें या जो क्वेश्चन बनते हैं एक एक नंबर के, उनको छांटें और उनके उत्तर लिखें।